नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम टैलेंट के एक और एजुकेशनल वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी के बारे में। ये अफगान डायनेस्टी की इंट्रोडक्शन थी भारत में, जो शुरू हुई थी 1451 से लेके 1526 तक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जो कभी भी अपने सिंहासन पे नहीं बैठे, जो हमेशा कालीन का इस्तेमाल करते थे बैठने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं बहलोल लोधी की, जिसे लोधी डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी और जीती, वो थी जौनपुर की लड़ाई। इन्होंने बहलोल नामक एक सिक्का जारी किया था और इन्होंने राज किया था 1451 से लेके 1499 तक। सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1499 से लेके 1517 तक राज किया, ये तीन लोधी शासकों में सबसे महान थे। इनका असली नाम था निजाम खान। 1504 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की और एक नया शहर बसाया आगरा के नाम से, उसे अपनी राजधानी बनाया। ये बहुत ही कट्टर मुसलमान थे। इन्होंने नगरकोट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर ज्वालाजी स्थित मंदिर को तोड़ दिया था और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दे दिए थे। ये कृषि को प्रोत्साहन देते थे और भूमि को मापने के लिए इन्होंने 32 अंक की गजे सिकंदरी की शुरुआत की। इब्राहिम लोधी, जिन्होंने 1517 से लेके 1526 तक राज किया, इब्राहिम लोधी ने सुल्तान की पूरी शक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ रईस उनके खिलाफ हो गए। अंततः दौलत खान लोधी ने बाबर को इब्राहिम को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम लोधी ने तोमर वंश से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन खतौली में 1518 की लड़ाई में मेवाड़ के रतन सागर से हार गए और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में वो बाबर के हाथों से मारे गए। इसी तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। आशा है आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, तो जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अफगान डायनेस्टी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये हुई थी 1451 में। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे बहलोल लोधी। जंडपुर राज्य किसने जीता था? वो थे बहलोल लोधी। कौन ऐसे राजा थे जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, हमेशा गलीचे पर बैठते थे? वो थे बहलोल लोधी। वो कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी कैपिटल और नई सिटी आगरा बनाई थी? वो थे सिकंदर लोधी। कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ज्वालाजी, जो कि नगरकोट में है, को तोड़ा था? वो थे सिकंदर लोधी। गज ए सिकंदरी, जो कि 32 अंक का होता है और खेतों को मापने के काम आता है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1526 में पानीपत में किसके हाथों मारे गए थे? वो था बाबर। सिकंदर लोधी कहाँ मारे गए थे? वो इसका आंसर है पानीपत। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसे और एजुकेशनल वीडियो आपके सामने पेश करते रहें। धन्यवाद।
धन्यवाद।